नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे। यहां पर दोस्तों इसका ओवरव्यू देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ के अंदर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की गई थी और दोस्तों इसका जो 33 प्लस सेशंस वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये समिट काफ़ी बड़ी है, तो इसके बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत है और इसको हम कई पार्ट में चर्चा करेंगे। इस पर कम से कम 10 वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी डेटा आया है उस पर चर्चा करेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के थिंक टैंक, एकेडमिया, बिजनेस टाइकून, कंपनीज, ये सब शामिल हुई हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल हुई हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है। यूपी गवर्नमेंट ने टोटल 33.5 लाख करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव किए हैं, जो कि अभी तक का सबसे हाई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है यूपी के अंदर। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई थी 2018 के अंदर। वो पहली इन्वेस्टर समिट थी यूपी के अंदर जिसमें 4 लाख करोड़ के अराउंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए थे। वो भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश ने रिसीव किया था एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट समिट से। यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस इन्वेस्टर समिट में केवल NCR रीजन में निवेश नहीं आया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर निवेश आया है। तो दोस्तों आज से एक साल पहले मैंने आपको बताया था कि यूपी गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे के करीब बहुत सारा लैंड पार्सल आइडेंटिफाई कर रही है और कई सारे क्षेत्रों में उसने एक्वायर भी किया है। वो किस लिए एक्वायर कर रही थी? वो इन्हीं के लिए एक्वायर कर रही थी क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की थी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते उसको बाद में उन्हें एक्सटेंड करना पड़ा और इलेक्शन भी उसमें आ गया था, लेकिन इसीलिए उसने इसे एक्वायर किया था। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी के अंदर लगभग एक्सप्रेसवे का नेटवर्क हर क्षेत्र तक पहुंच गया है और कुछ नए एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं, तो वहां पर जो इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड पार्सल होने वाला है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो लैंड पार्सल इतना सारा एक्वायर किया है, वहीं पर कंपनीज़ को लैंड एलोकेट किया जाएगा, एक अच्छी कनेक्टिविटी उन्हें मिलेगी, सीमलेस फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन वो कर पाएंगे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इतना बड़ा निवेश आया है। मैंने आपको बताया था कि FDI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे है और वहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात यह है कि FDI उन्हीं क्षेत्रों में आता है जहाँ पर पहले से या तो निवेश हो चुका होता है या फिर कंपनी अपना एक्सपेंशन करती हैं। तो यूपी के अंदर NCR रीजन में पहले से निवेश आ चुका था और वहाँ पर कंपनीज एक्सपेंशन कर रही थी, लेकिन जो बहुत सारा रीजन यूपी का था वो अनआइडेंटिफाइड था, वहाँ पर उतना फोकस कभी हुआ नहीं था। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वहाँ पर भी काम हुआ है, लेकिन जब बात आती है उसके प्रमोशन की तो उतने अच्छे तरीके से हुआ नहीं था। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने उन रीजन्स में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रखा है लेकिन उनके प्रमोशन का काम किया है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पर जो छोटे बड़े फर्म हैं उन्होंने रियल स्टेट के बारे में बात की है और उन्होंने कहा है कि यूपी के अंदर रियल स्टेट की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, न केवल NCR रीजन में बल्कि जो लखनऊ का कैपिटल रीजन है वहाँ पर भी, और पूर्वांचल रीजन में हॉस्पिटैलिटी की बहुत बड़ी संभावना है। तो इन सब पर भी चर्चा की थी। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी हो, और इसके मामले में अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी है और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी इससे तेज़ हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बैकवर्ड रीजन है, फॉर एग्जांपल पूर्वांचल और बुंदेलखंड, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुआ है। 9.54 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पूर्वांचल रीजन को और 4.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बुंदेलखंड रीजन में आया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट इतने सारे ये प्रपोजल मिले हैं, ये सारा जो भी डेवलपमेंट होगा ये एक्सप्रेसवे के अगल बगल के क्षेत्रों में होगा और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम लाया है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें निवेश मित्रा, निवेश संघ मित्रा, मुख्यमंत्री उद्यान मित्रा और इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम है। और ये सभी दोस्तों इसीलिए लाए गए थे कि जो भी इन्वेस्टर है उनको सिंगल हैंडली वो जो भी उनको अप्रूवल है वो मिल पाए और उसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट कर पाए और प्रोजेक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों हमने देखा कि कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आया है और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उत्तर प्रदेश को मिला है और एक अच्छा जो है प्रमोशन बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इसके तहत मिला है। आगे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन होगा उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ कंपनियाँ जो उत्तर प्रदेश में पहले से ही हैं वो अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, तो हम उन सभी पहलुओं को भी जानने की ज़रूरत है। अब इसको दोस्तों हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए इन्होंने जो यूपी इन्वेस्टर समिट का पोर्टल है, इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें वो हर एक साल बाद ये बताती है कि जो भी इन्वेस्टर समिट से इन्वेस्टमेंट आया है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है। तो उसके तहत हम ये जान पाएंगे कि कितना मतलब इन्वेस्टमेंट
MOU साइन हुआ और कितना धरताला पे एग्जीक्यूट हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्वेस्टर समिट का कंपैरिजन भी करेंगे, इसके अलावा जो बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और जो एक्सपेंशन है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभी तक इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं उनमें से सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर समिट कौन सा रहा है, इन्वेस्टर समिट इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मामले में नहीं बल्कि उसका एग्जीक्यूशन के मामले में, जैसे कि गुजरात के अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट हुए हैं, सबसे पहले इंडिया के अंदर वहीं से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई थी, इसके अलावा सदर्न स्टेट में भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं, तो उन सभी पर चर्चा करेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।